ये है इन्फिनिक्स जीरो 35G, जिसको मैंने फर्स्ट सेल में परचेज किया है, वो भी 12GB रैम एंड 256GB स्टोरेज के साथ। आई नो काफी सारे लोग बोलेंगे कि रिव्यू पर्पस के हिसाब से हायर वेरिएंट परचेज करने की कहां जरूरत आ रही थी। देखो मैं भी बेस वेरिएंट ही लेने वाली थी, लेकिन वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया। दूसरी चीज, मैं इसको वीगन लेदर जो ग्रीन कलर है उसमें परचेज करने वाली थी, लेकिन मुझे सिर्फ यही मिल पाया है। तो समझ रहे हो इन्फिनिक्स के फोन की इतनी डिमांड हो रही है कि फोन फर्स्ट डे फर्स्ट सेल में आउट ऑफ स्टॉक हो रहे हैं। एंड जेन्युइनली बता रही हूँ, मैंने इस फोन को जितना भी यूज किया मुझे काफी सही लग रहा है, बट एट द सेम टाइम काफी सारी चीजें ऐसी है देखो जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप इस फोन को परचेस करने का सोच रहे होंगे तो। एंड आई बिलीव ये सारी चीजें अभी तक आपको किसी ने तो नहीं बताई होगी, तो वो सब कुछ पता लग जाएगा, जानेंगे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है क्या डिसेंट है इस फोन के अंदर। तो फिर बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर शुरुआत करना चाहूंगी इस फोन के कैमरा से, क्योंकि इससे पहले इन्फिनिक्स के जितने भी फोन मैंने यूज किए कैमराज को लेकिन मेरा एक्सपीरियंस इतना ज्यादा अच्छा नहीं रहा था, लेकिन इस बार थोड़ी उम्मीदें ज्यादा हैं। वो इस वजह से भी क्योंकि ब्रांड ने यहाँ पर सैमसंग का सेंसर रियर साइड में यूज किया हुआ है। पहले किस तरह के सेंसर यूज करे होते थे वो अता पता ही नहीं होता था। यहाँ पर 108 मेगापिक्सल का सैमसंग का सेंसर यूज हुआ है, फ्रंट में भी 50 मेगापिक्सल का सैमसंग का ही सेंसर यूज किया गया है विद OIS रियर साइड में। ये बता दो 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस भी यहाँ पर दे रखा है। अभी मैंने जो भी फोटोज निकाले ना, देखो रेफरेंस के लिए मैंने रियलमी 11 प्रो प्लस को पिक्चर में रखा है ताकि आपको समझ में आए कि इस फोन के कैमरास कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। जितने भी फोटोज मैंने लिए एक चीज आपको क्लियरली समझ में आएगी कि कलर्स को बूस्ट करता है, थोड़ी कॉन्ट्रास्टी फोटोज निकालता है रियलमी के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो, लेकिन ओवरऑल फोटो काफी ज्यादा आई प्लीजिंग है। यहाँ पर कलर्स काफी ब्यूटीफुली यहाँ पर ऑप्टिमाइज या फिर इन्होंने जो कलर साइंस यूज करी वो काफी अच्छी यूज करी है। मैं ये बोलूंगी रियलमी भी अच्छा एक्सपोजर बैलेंस कर लेता है, लेकिन कई सारे डिफिकल्ट सिचुएशन में जब जाते हैं तो रियलमी से ज्यादा बेटर तरीके से एक्सपोजर बैलेंस कर पाता है। जैसे इस पर्टिकुलर फोटो में आप देखोगे तो बैकग्राउंड को रियलमी ने पूरा ही एक्सपोज टाइप का कर दिया, इसने काफी अच्छे से एक्सपोजर बैलेंस किया है। इस फोटो में आप पर्टिकुलर देखोगे तो मेरे फेस पर बैकग्राउंड का एक्सपोजर हर चीज रियलमी ने खराब कर दी है, इस फोन ने काफी अच्छे से बैलेंस किया है। तो काफी सारी जगह पे मैंने देखा है कि रियलमी को बीट कर देता है, जबकि रियलमी 28,000 का फोन है और ये 24,000 की प्राइस में लॉन्च हुआ है बेस वेरिएंट की अगर बात करें तो। लेकिन कुछ कुछ जगह पर स्पेशली आर्टिफिशियल लाइट में जब सेल्फीज कैप्चर करते हैं ना, तो इन जनरल तो सेल्फीज अच्छी आती है नो डाउट, लेकिन होता है ना डिफिकल्ट लाइट सिचुएशन में जब आप चले जाओगे तो मैंने देखा है वहां पर सेल्फीज ना थोड़ी सी स्मूथ हो जाती है, या फिर ये बोलो ऐसा लगता है जैसे चेहरे पर 2-4 फिल्टर लग गए हो। जबकि माइंड यू मैंने जब इस फोन से फोटोज लेना शुरू किया था जो भी प्री अप्लाइड फिल्टर्स वगैरह था मैंने सब कुछ हटा दिया था, उसके बाद भी ये एक आध दो फोटो इस तरह के निकल के आए, बट मेजोरिटी of the times ये फोन काफी consistently अच्छे photos निकाल के देता है। basically एक ही जगह पे है जहाँ पे मुझे लगता है कमी है, वो है low light की photos। देखो OIS के साथ आता है इसका camera, लेकिन फिर भी low light की जो photos है वहाँ पर मुझे नहीं लगता कुछ मेहनत करी गई है brand की तरफ से, क्योंकि ऐसे चाहे आप बिना night mode के लो चाहे आप night mode on करके लो कोई ज्यादा difference है नहीं photos में, तो मुझे लगता है वहाँ पर कमी है। दूसरा आपको 2x portrait mode वगैरह ऐसे आजकल काफी सारे phones brand option देते हैं, वैसा कुछ भी option आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखो अगर आपको फोन से वीडियोस भी बनाने हैं ना, तो पहले तो मैं बता दूं ये वीडियो इसी फोन से शूट हो रहा है 1080p 30fps बुके मोड में, लेकिन फ्रंट और रियर साइड से इन जनरल आप इस फोन के 4K 60fps तक की सेटिंग में वीडियो शूट कर सकते हो। जिसकी क्वालिटी के बारे में बात करने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो वो कर लो, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दो ताकि इस तरह की वीडियोस ना आपको एकदम टाइम पर देखने को मिले, तो वो जरूर से कर लेना। बट हां मैंने फ्रंट और रियर से वीडियो शूट कर रहे थे, रियलमी कंपैरिजन में बनाया हुआ है आप खुद देख सकते हो, यहाँ पे स्टेबलाइजेशन काफी अच्छा रखता है, कलर्स वगैरह अच्छे हैं, एक्सपोजर अच्छे से बैलेंस करता है। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मतलब आप लाइट के अगेंस्ट में जाओ, लाइट आपके बैकग्राउंड में हो, मतलब किसी भी तरह से वीडियोस बना लो, स्क्रीन टोन काफी अच्छे से मेंटेन है। ओवरऑल मैं ये बोलूंगी ना कि इस फोन के जो कैमराज है वो इन्फिनिक्स ने मतलब काफी फुर्सत से और काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज किए हैं, जिस की वजह से डेफिनेटली इन्फिनिक्स को अप्रिशिएट करना तो बनता है यार। एनीवेज अभी यहां से सीधा बढ़ते हैं अगर बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जो है इस फोन की परफॉर्मेंस। मीडियाटेक डायमेंसिटी 8020 चिपसेट देखने को मिल रहा है, तो अच्छा पावरफुल प्रोसेसर है। सबसे अच्छा काम इन्फिनिक्स ने यह किया है कि चाहे आप इसका बेस वेरियंट लो हायर वेरियंट लो आपको 256GB का स्टोरेज यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, बट उसके बाद फिर आप स्टोरेज एक्सपेंड नहीं कर सकते क्योंकि नैनो सिम स्लॉट यहाँ पर दे रखा है। दूसरी चीज यूएफएस 3.1 स्टोरेज टाइप LUPDDR4X रैम वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, तो
वहां तक चीजें अच्छी है। अभी चिपसेट तो काफी ज्यादा कैपेबल है, वो इसलिए भी है क्योंकि जब मैंने इसका एंतुतु निकाल के देखा तो अच्छा खासा एंतुतु स्कोर निकल के आया, आई मीन वन प्लस नॉट सी थ्री जितना निकल के आया यार। लेकिन जब मैंने इसका CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट करना शुरू किया तो ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा थ्रॉटल कर रहा था, आई मीन पूरा ग्राफ रेड था। तो फिर मैंने सोचा कि यार अलग अलग फ़ोन का रेफरेंस लेती हूँ, उनके साथ करके देखती हूँ, शायद से चीज़ें बदल जाए। लेकिन नहीं, ये चिपसेट काफ़ी ज़्यादा थ्रॉटल कर रहा था। वैसे Nord C3 भी कम थ्रॉटल नहीं कर रहा था, उनको भी काफ़ी ज़्यादा थ्रॉटल किया, लेकिन मतलब इसके स्कोर्स उसके बराबर है बट थ्रॉटल करता है। और मैं ये बोल सकती हूँ कि इस फ़ोन को ना, मतलब इस चिपसेट को कहीं ना कहीं ब्रांड ने इतने अच्छे से अभी फ़िलहाल तो ऑप्टिमाइज नहीं किया है। जो आप थोड़ा और लंबा फोन को यूज करोगे, हैवी ग्राफिक गेम या फिर हैवी एप्लीकेशन यूज करोगे तो वहां पर आपको शायद थोड़ा बहुत समझ में आए। लेकिन जब मैं इन जनरल डेली के टास्क जैसे सोशल मीडिया एप्स हो गया, नॉर्मल चीजें कर रही हूँ, वहां पर कहीं पे भी पता नहीं लगता। लेकिन थर्मल्स भी इतने अच्छे से मेंटेन नहीं है, फोन हाथ में काफी ज्यादा गर्म फील होने लग जाता है अगर आप लंबा गेमिंग करते हो तो। लेकिन जब टेम्परेचर चेक करते हैं तो 40 डिग्री से ऊपर नहीं निकलता। अब इसके पीछे रीजन ये भी हो सकता है कि फोन काफी ज्यादा स्लिम है, ग्लास बिल्ड के साथ आता है तो हाथ में काफी गर्म फील होता है, क्योंकि यूजुअली इससे पहले मैंने जितने भी ग्लास बिल्ड फोन यूज करे हैं वो थोड़ा भी गर्म होते हैं तो हाथ में ज्यादा गर्म फील होने लग जाता है। आई होप आपको मेरी बातें क्लियर हो रही होगी। बट बात यह है कि गेमिंग के लिए अगर आप सोच रहे हो तो वहां पर मैं बोलूंगी कि और भी अच्छे ऑप्शंस हैं मार्केट में। आपको गेमिंग के लिए नहीं परचेस करना है लेकिन एक बैलेंस्ड परफॉर्मेंस चाहिए तो वो आपको डेफिनेटली इस फोन से मिल जाएगी। और सबसे बेस्ट बात तो यह है कि इन्फिनिक्स का UI, आई मीन इससे पहले ना देखो मैंने इन्फिनिक्स के काफी सारे फोन यूज किए हुए हैं और हर बार ना मैंने इन्फिनिक्स को बस एक ही फीडबैक दिया है, अपने UI को थोड़ा सा इंप्रूव कर लो। मैं ये नहीं बोल रही ये UI एकदम नीट एंड क्लीन है, नहीं ऐसा नहीं है। उनके खुद की सिस्टम एप्लीकेशंस है, कुछ प्री इंस्टॉल एप्स भी है जैसे कि स्पॉटिफाई, फेसबुक वगैरह मेरे को यहाँ पर देखने को मिला। बट बात यह है जिल्ली, मोज, जोश जो बिल्कुल ही फालतू की एप्स होती है ना, वो यहाँ पर एटलीस्ट ब्रांड ने नहीं दिए। तो UI एक्सपीरियंस पहले के कंपैरिजन में काफी ज्यादा अच्छा है, काफी हद तक ऑप्टिमाइज भी है, कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस काफी ज्यादा है। आपको यहाँ पर NFC का सपोर्ट देखने को मिल जाता है जो कि 30,000 के फोन में आजकल ब्रांड्स मिस कर देते हैं। गूगल डायलर नहीं दे रखा है, इनका खुद का डिफॉल्ट डायलर है तो कॉल्स आप रिकॉर्ड कर सकते हो। 14 5G बैंड के सपोर्ट देखने को मिल जाएंगे। एक चीज में कमी लगी है कि OS अपडेट Android 13 पर ऑलरेडी आता है, सुनने में आ रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली सिर्फ Android 14 तक का ही अपडेट आपको इस फोन में देखने को मिलेगा, जो कि एक डिसअपॉइंटिंग चीज डेफिनेटली है यहाँ पर। लेकिन उससे भी बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि इन्फिनिक्स के फोन में ना यूजुअली अपडेट्स इतना फ्रिक्वेंट नहीं आते, फोन में अगर बग्स वगैरह है तो आपको लंबे दिनों तक का इंतजार करना पड़ेगा अपडेट को लेकर, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। मैं अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के हिसाब से ये सारी चीजें आपको यहाँ पर बता रही हूँ। खैर जो भी है, इस फोन से मैं एक और जगह पर काफी ज्यादा इंप्रेस हुई हूँ, वो है इस फोन की इनहैंड फील एंड बिल्ड क्वालिटी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बिल्ट तो अच्छी लगी है लेकिन मुझे गोल्डन कलर नहीं पसंद आया था और ना ही मुझे अभी इतना अच्छा लग रहा है। बट क्या करूँ, किस्मत ही खराब है, मिल नहीं पाया। लेकिन मुझे ऐसा लगा था ऑर्डर करने से पहले कि अगर वीगन लेदर नहीं मिलेगा ना तो शायद दूसरे कलर वेरिएंट में मुझे ये प्लास्टिक मैट फिनिश मिलेगा जैसा कि मोटो H40 में भी हुआ था। लेकिन एक्चुअली में ये ग्लास बिल्ट है, दैट टू विद कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्टेड, मतलब फ्रंट में भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5, रियर में भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5। तो इस चीज से तो मतलब इन्फिनिक्स ने एक अलग ही रिस्पेक्ट अपनी कमा लिया मेरी नजरों में, तो डेफिनेटली इतनी अच्छी बिल्ट देखे। IP53 रेटेड है, फ्रेमिंग वगैरह प्लास्टिक की देखने को मिलेगी बट इस चीज को लेके मैं बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं करूंगी। और 7.9 mm की थिकनेस के साथ ही आता है बस, तो उस हिसाब से अच्छा है। हाँ थोड़ी विड्थ ज्यादा है फोन की, अगर आपके छोटे हाथ है तो शुरुआत में अनकंफर्टेबल लगेगा लेकिन यूज करते करते आप यूज टू हो जाओगे, तो वहां तक चीजें काफी ज्यादा अच्छी है। अच्छा इसके अलावा ये फोन ना फ्रंट से भी सुपर प्रीमियम है बिकॉज ऑब्वियसली कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले यहाँ पर दी हुई है जिसकी वजह से प्रीमियमनेस तो मतलब भर भर के बाहर आ रही है। एस्थेटिकली काफी अच्छी लग रही है ऑब्वियसली, अभी AMOLED पैनल है तो यार आउटडोर्स वगैरह में अच्छी खासी ब्राइट है, PWM डिमिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है तो वहां पर कोई कमी नहीं है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, 144Hz का जो रिफ्रेश रेट है वो सुपर स्मूथ है और इंप्रेस में इस वजह से हुई हूँ क्योंकि हर एक एप्लीकेशन जो मैंने इस फोन में यूज करी है वो 144Hz पर ही चल रही है। और ये बात इसलिए मेंशन करना बनता है क्योंकि इससे पहले मैंने OnePlus Nord C3 यूज किया था जो कि ऑलमोस्ट 25,000-26,000 का फोन है, Vivo V29 मैंने यूज किया जो कि ऑलमोस्ट इसी प्राइस रेंज का फोन है, लेकिन वहां पर मैंने देखा है मैक्सिमम एप्लीकेशन ना 90Hz या फिर 60Hz पर चल रही होती थी। मतलब ब्रांड ने 120Hz दे तो दिया लेकिन कुछ काम का ही नहीं है वो। यहाँ पर ऐसा सीन नहीं है, हर कुछ आप चलाओगे वो 144Hz पर चल जाएगा जो कि सुपर इंप्रेसिव है। इसके अलावा देखो ये फोन ना HDR सर्टिफाइड है लेकिन सिर्फ YouTube के लिए, Netflix वगैरह में आप HDR कंटेंट नहीं एंजॉय कर सकते हो। वैसे उसको लेके मैं ऐसा कंप्लेंट करूंगी भी नहीं यार क्योंकि प्राइस की भी बात होती है,
आखिर जिस प्राइस में आ रहा है वो मोर देन इनफ है। लेकिन यूट्यूब में भी जब एसडीआर वीडियोस देखते हैं ना, तो काफी सारी जगह तो स्मूथ वीडियो प्ले हो जाता है, लेकिन कई जगह पर मैंने नोटिस किया कि लैग्स और जिटर्स भी आपको देखने को मिलते हैं, तो वो चीज यहाँ पर ध्यान रखना। दूसरी चीज, इस फोन के जो हैप्टिक्स है वो भी बहुत ही डिसेंट है, मतलब सिर्फ टाइपिंग करते वक्त या फिर जेस्चर्स को यूज़ करते वक्त थोड़ा बहुत आपको फील होंगे, अदरवाइज जैसे आप इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्रेस करोगे वहाँ पर नहीं पता लगता है, यूआई में जब स्क्रॉल करोगे वहाँ पर भी नहीं समझ में आता है, तो मतलब बहुत ही डिसेंट टाइप के, उससे ज़्यादा उम्मीदें मत रखना। लेकिन फ़ोन के जो स्पीकर्स है वो इम्प्रेसिव है, स्टीरियो स्पीकर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, इनफ लाउड स्पीकर्स है और साउंड क्वालिटी भी अच्छी ही है यहाँ पर, तो डिस्प्ले एंड मल्टीमीडिया कंजप्शन डेफिनेटली आपका इस फोन के साथ अच्छा रहने वाला। लेकिन 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट की वजह से एक चीज में आपको सफर करना पड़ेगा, वो है इस फोन के बैटरी एंड चार्जिंग डिपार्टमेंट में, स्पेशली बैटरी बैकअप में, क्योंकि 144 हर्ट्ज पर यूज करोगे डेफिनेटली काफी ज्यादा बैटरी कंज्यूम करेगा। यूसेज के हिसाब से बता सकती हूँ कि एक दिन से ज्यादा आप इस फोन को नहीं चला पाओगे, भले इसमें 5000 एमएच की बैटरी है उसके बावजूद भी। लेकिन यहाँ पर ना 68 वॉट का चार्जर है, जिससे 0 to 100% चार्ज करने में मुझे एग्जैक्टली 55-57 मिनट के आसपास का टाइम लगा। ओवरऑल ऐसे देखा जाए तो 144 हर्ट्ज के हिसाब से बैटरी एंड चार्जिंग डिपार्टमेंट मतलब डिसेंट की कैटेगरी में डेफिनेटली काउंट हो जाएगा यहां पर। बाकी तो ओवरऑल यार मैं ये बोलूंगी कि इन्फिनिक्स ने ना मतलब वाकई में एक तगड़ा फ़ोन बना दिया है, जाने अनजाने बनाया है या फिर सारी चीज़ों को पिछले फीडबैक को ध्यान में रख के बनाया है, आई रियली डोंट नो, बट एक्चुअली मैं फ़ोन पाई पाई को जस्टिफाई कर रहे हैं यहाँ पर, जिस प्राइस रेंज में लॉन्च किया गया है, जो फीचर्स है, जो कैमरा डिपार्टमेंट है या फिर जो ओवरऑल इस फ़ोन का यूआई आपको एक्सपीरियंस करवा रहा है, जो डिस्प्ले है वो अमेजिंग है प्राइस पॉइंट के हिसाब से, काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन को इसने डायरेक्टली किल कर दिया है यहाँ पर ऑब्वियसली। बाकी आप मुझे आगे और बता देना किस फ़ोन के साथ आप इसका कंपैरिजन चाहते हो, मैं डेफिनेटली उस फोन के साथ इसका कंपैरिजन वीडियो लाऊंगी, तो उसका ज़रूर से इंतजार करना। बाकी आई रियली होप यार आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया लाइक ज़रूर से करिएगा। बाकी अगर आपको अंडर 20,000 और भी फोन्स चेकआउट करने हैं तो मैं वीडियो बना चुकी हूँ, नहीं देखा है वो देख लेना। बाकी तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।